नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2022 तक पूरा करना है। इस ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और इसी के क्रम में सरकार ने 3 शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं का विकास किया है, जो आपकी आधारशिला हस्त पुस्तिका है या मॉड्यूल्स कह सकते हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है और आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है। उन्हीं सभी मॉड्यूल्स का आपको अध्ययन करना है और उनके आधार पर ही आपको आगामी शिक्षण योजनाएं बनानी है, आपकी डायरी बनानी है और उन्हीं के आधार पर आपको शिक्षण करना है। साथियों, जैसे ही हमारे विद्यालय खुलेंगे तो हमें कुछ बच्चों के लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही शिक्षण करना है। आपके मॉड्यूल्स में लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं या कह दीजिए शिक्षण अधिगम परिणाम दिए हुए हैं और आपको उनके आधार पर ही अपनी आगामी योजनाएं बनानी है, अपने लेसन प्लान बनाने हैं और उनके आधार पर आपको शिक्षक डायरी बनानी है, या ये कह लीजिए सिंपल भाषा में कि आपको उन शिक्षण अधिगम परिणाम के आधार पर ही शिक्षण करना है। हम कोई सी भी विधि अपनाएं, किसी भी तरीके से बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन हमें उन शिक्षण अधिगम परिणाम की प्राप्ति करनी है। आपको अगर आप प्रेरणा तालिका बनाएंगे तो भी आपको इन शिक्षण अधिगम परिणाम पर ही कार्य करना है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1 और 2 के भाषा और गणित के शिक्षण अधिगम परिणाम के बारे में जानेंगे कि कक्षा 1 और 2 के भाषा और गणित के क्या क्या लर्निंग आउटकम्स हैं, किन लर्निंग आउट्स पर हमें क्या कार्य करना है या हमें किस तरह से पढ़ाना है, ये सब आप आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कक्षा 1 भाषा के प्रमुख लर्निंग आउटकम्स के बारे में जानेंगे कि कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं जिन पर हमें कार्य करना है, जिनके आधार पर हमें पढ़ाना है। तो सबसे पहले कक्षा 1 के भाषा के पहला लर्निंग आउटकम्स है, पर बच्चे कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, चार्ट्स को देखकर बातचीत करते हैं। जब बच्चा कक्षा 1 में आता है तो हमारा सबसे पहला मकसद है कि बच्चा सुने। जो सीखने का क्रम होता है, सबसे पहले सुनना होता है, उसके बाद बोलना होता है, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। आपको इसी क्रम पे चलना है। तो जितने भी कक्षा में चित्र होंगे, फ्लैश कार्ड होंगे, पोस्टर्स होंगे, उनको देखकर बच्चे बातचीत करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आपकी क्लास में है उनके बारे में बच्चों को पता हो, यानी कि वे उनके बारे में बातचीत करते हो। अगर उनसे कुछ पूछ लिया जाए तो थोड़ा बहुत उनके बारे में बातचीत करते हो। इस लर्निंग आउटकम्स पर ही आपको आगामी अपनी शिक्षण योजना बनानी है और इस पर ही ध्यान देना है। हमें किताब से कोई मतलब नहीं है कि किताब में क्या दिया है, क्या नहीं है, बस आप इन लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान दीजिए, आपको ये प्राप्त करने हैं। दूसरा, बच्चे परिवेशीय ध्वनियों जैसे जंतु या पक्षियों की बोलियों, वाहन, घंटी आदि को पहचानते हो और उनमें अंतर कर सकते हो। यानी कि आपको बच्चों को यह समझाना है, यह बताना है कि ये इस जंतु की बोली है, ये इस पक्षी की बोली है। अगर घंटी बोल रही है, वाहन बोल रहा है, जैसे एम्बुलेंस की आवाज़ कैसी होती है, इस पुलिस की वैन की आवाज़ कैसी होती है, इस तरह की आवाज़ों में अंतर बच्चे को पता चल जाना चाहिए। आपको अपनी शिक्षण योजना इस तरह से बनानी है। तीसरा लर्निंग आउटकम है आपका, बच्चे परिवेशीय भाषा के सामान्य शब्दों को पहचानते और समझते हो। यानी परिवेशीय भाषा जो आपकी उनके परिवेश की भाषा है, उसके सामान्य शब्द जो हैं उनको भी समझते हो और पहचानते हो। चौथा लर्निंग आउटकम्स है आपका, बच्चे प्रथम एवं अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हो। यानी कि पहली ध्वनि और अंतिम ध्वनि को पहचानते हो, जैसे पग, पर, पल, जग, पग, हल, चल। यानी कि पहली ध्वनि प, ग, इनको बच्चे आसानी से पहचानते हो। प, र, ये सब ध्वनि बच्चों को आनी चाहिए। यानी कि आपको सारा साल जितना भी आप, जब तक ये लर्निंग आउटकम्स नहीं प्राप्त होते आप आगे मत पढ़िए। बच्चे वर्णों एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हो,
ये लर्निंग आउटकम आपको बच्चों को भाषा में कक्षा एक में प्राप्त करानी है, इनके आधार पर आपको शिक्षण कराना है। अब आती है कक्षा एक गणित के प्रमुख लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। तो कक्षा एक गणित में पहला लर्निंग आउटकम्स है बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानते, बोलते एवं लिखते हों। यानी कि आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया ऐसे करनी है कि बच्चों को सबसे पहले 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचानना सिखाना है। किसी भी तरीका का आप यूज़ कीजिए, उनको बोलना सिखाना है कि वे बोल सके गिनतियों को 1 से 99 तक, और उन्हें लिख भी सकें। ये आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि पहला लर्निंग आउटकम आपका यही होना चाहिए। दूसरा, बच्चे छूटी हुई संख्याओं में को भर सकते हो, मतलब छूटी हुई संख्याएं जो उन्हें भर सकते हो, जैसे 3 फिर जगह छोड़ दी जाए, 5, इस तरह से बीच में जो स्पेस आएगा उसे भर सकते हो। और बच्चे बिना हासिल वाली 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ लेते हो, बिना हासिल की 2 अंकों की संख्याएं भी जोड़ लेते हो। ये आपको इतना उन्हें सिखाना है, इस लर्निंग आउटकम्स की हमें प्राप्ति करनी है। 3, बच्चे सुनने की अवधारणा को समझ और बता सकते हो, यानी बच्चे सुनने के बारे में जानते हो सुनने क्या है और उसके बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका, बच्चे 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया कर लेते हैं, यानी कि 1 से 9 तक की संख्याओं का प्रयोग करके वे घटाना भी जानते हो। 5वां लर्निंग आउटकम्स है आपका, बच्चे विभिन्न आकृतियों को बनाते हो और पहचानते हो, यानी कि बच्चों को विभिन्न आकृति आपको बनानी सिखानी है और उनको पहचानना सिखाना है कि ये आकृति ये है। इस तरह से ये आपके 5 लर्निंग आउटकम्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना है कक्षा एक में। अब बात आती है कक्षा 2 भाषा के प्रमुख लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे या शिक्षण अधिगम परिणाम क्या होंगे। कक्षा 2 में पहला लर्निंग आउटकम्स होगा बच्चे 2 या 3 अक्षरों के मात्रिक शब्द पढ़ते हों, यानी जो 2 या 3 अक्षरों के जो मात्रिक शब्द होंगे उन्हें भी पढ़ लेते हों, जैसे केला, पानी, आम, किताब, गिलास, चटाई, जहाज आदि। यानी आपको इसी बात पर ध्यान देना है कि आपको उनको इतना परफेक्ट बना देना है कि वे 2 या 3 अक्षरों के मात्रिक शब्द को फटाफट पढ़ना शुरू कर दें। नेक्स्ट है आपका, बच्चे 2 या 3 अक्षरों के मात्रिक शब्द लिखते हों। अब जब उन्होंने पढ़ना आ गया तो दूसरा आपका लक्ष्य क्या होगा, उन पे लिखना भी आ जाए 2 या 3 अक्षरों के मात्रिक शब्द। तीसरा, बच्चे सामान्य लय और तुक वाले शब्दों को सुनकर अन्य शब्द बनाते हों, तुक वाले शब्दों के बारे में भी जानते हों और वे बनाना जानते हों, जैसे रेल खेल, चटाई खटाई, कुआ धुआं आदि, इस तरह का ज्ञान बच्चों को हो जाना चाहिए। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है आपका, बच्चे सामान्य शब्दों के विलोम व समानार्थी शब्द बताते हों, यानी विलोम शब्दों का भी उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, जो सामान्य शब्द होंगे जैसे दिन रात, आप दिन बोलेंगे तो बच्चा एकदम से रात बोल दे, छोटा बड़ा, आदमी औरत, इस तरह के, और समानार्थी शब्द भी उन्हें पता होना चाहिए, जैसे पानी, पानी का दूसरा नाम उन्हें पता होना चाहिए, जल, नीर, सूरज का, रवि, भानु, इस तरह के उन्हें पता होने चाहिए। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है बच्चे कविता व कहानी को पढ़कर उनमें आए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हो एवं प्रश्नों के उत्तर देते हो, यानी कविता और कहानी को पढ़कर उनमें जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना जान लें और प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम्स पर ही आपको कार्य करना है, आपको कोशिश करनी है कि इन लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति बच्चों को हो जाए, क्योंकि हमें प्रेरणा तालिका बनानी होगी, उसमें लिखना होगा कि इस लर्निंग आउटकम की प्राप्ति किस माह में हुई, क्योंकि वो तालिका आपकी विद्यालय के कमरों की दीवारों पर लगेगी और उसे जो भी आएगा चेक करने वाला उसको देखकर वो पता कर लेगा। इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, किसी भी तरीके का आप यूज कीजिए और उनको सिखाना है। नेक्स्ट आपका है कक्षा 2 गणित के प्रमुख लर्निंग आउटकम्स यानी शिक्षण अधिगम परिणाम। तो कक्षा 2 के शिक्षण अधिगम परिणाम क्या होंगे, ये जितने भी अधिगम परिणाम हैं इनमें आपको किताब की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किताब नहीं आती तो भी आप इन लर्निंग आउटकम्स को, एक लर्निंग आउट को चूज़ कर लीजिए और उसके आधार पर अपनी शिक्षण योजना बनाइए, अपना तरीका अपनाइए, जो आपका तरीका बेस्ट आप जानते हो उसको अपनाइए। फॉर्मेलिटी तो कागज़ की हमें करनी ही पड़ेगी, वो अलग बात है, लेकिन आप उनके आधार पर इनको सिखा दीजिए।
इसमें गणित का पहला लर्निंग आउटकम्स है, बच्चे तीन अंकों की संख्या पढ़ और लिख लेते हो, यानी कि तीन अंकों की संख्या को वे पढ़ भी लेते हो और उन्हें लिख भी लेते हो, यानी कि ती जैसे 445 वो हिंदी में लिख ले और अंकों में भी लिख ले और उसे पढ़ भी ले। दूसरा, संख्याओं के स्थान मान बताते हैं और संख्याओं को घटते और बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं, यानी बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान भी हो जाना चाहिए और संख्याओं के बढ़ते और घटते क्रम के अनुसार भी वे उन्हें लगा लेते हों। इस लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने का आपको प्रयास करना है। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स है, बच्चे तीन अंकों की संख्याओं को स्तंभ विधि से जोड़ते व घटाते हों, यानी तीन अंकों की संख्याओं को ऊपर नीचे रखकर वे जोड़ते और घटाते हों, ये आपको कोशिश करनी है, उनको इतना सिखाना है। नेक्स्ट है, बच्चे 2 से 9 तक के पहाड़ों का निर्माण करते हों, यानी 2 से 9 तक के पहाड़े उनके याद भी हो जाने चाहिए और इसके साथ साथ वे लिख भी लें, इतना उन्हें आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बच्चे जोड़ एवं गुणा में सहसंबंध स्थापित कर पाते हों, यानी उन्हें जोड़ और गुणा का जो संबंध है कि भाई 3 बार जोड़ दिया, जैसे कोई संख्या है उसे 3 बार जोड़ दिया तो भी वही आंसर आएगा, यानी उसकी 3 बार गुणा 3 से गुणा कर दी तो भी वही आंसर आएगा, इस तरह का संबंध भी स्थापित कर लेते हों। नेक्स्ट है, बच्चे एक अंक की संख्या से दूसरी एक अंक की संख्या में भाग कर लेते हों, यानी एक अंक की संख्या से एक अंक की संख्या को भाग करना जानते हों, जैसे 9 को 3 से वे भाग करना जानते हों, इस तरह से वे या 10 को 9 या 8 को 2 से भाग करना जानते हो, तो इस तरह का उन पे भाग करना आना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखकर इन्हीं किसी भी शिक्षण विधि का आपको प्रयोग करना है और अपना लेसन प्लान बनाना है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसे पसंद आई तो इसको लिखिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास के लर्निंग आउटकम्स की वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।